हेलो बच्चों, वेलकम टू खोलेश्वर जूनियर सीबीएसई स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड साइंस चैप्टर नंबर सेकंड का नेक्स्ट पॉइंट है लीफ। इस लीफ के बारे में पढ़ने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हर दिन, कौन से भी सब्जेक्ट का वीडियो हो, उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। लीव्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। यहाँ पे हम इमेज देख रहे हैं, आपको वहाँ पे उस प्लांट के नाम भी लिख कर दिए, वो कौन से प्लांट के लीफ है। तो ये लीफ का शेप एंड साइज डिफरेंट है, डिपेंड ऑन द प्लांट। ग्रीन लीव्स आर फूड मेकिंग फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ये पूरे जो पेड़ के लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, इसलिए उसका कलर ग्रीन होता है। इससे पहले हमने देखा पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसमें लीफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे इसलिए बोला है ग्रीन लीव्स आर फूड मेकिंग फैक्ट्री। क्या है, फूड मेकिंग फैक्ट्री, वो फूड बनाने के फैक्ट्री है, मीन्स वो फूड बनाने के लिए हेल्प करती है। ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच हेल्प टू अब्सॉर्ब लाइट। ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल नामक एक घटक होता है, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लीव्स आर साइट ऑफ द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीव्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड मेकिंग प्रोसेस में पार्ट है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, विच यूजेस लाइट वाटर एंड एयर टू मेक फूड। वो फूड बनाने के लिए वो लीव्स जो है वो लाइट वाटर एंड एयर का यूज़ करते हैं। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन। लीव्स क्या करती है, लीफ क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते। गिव्स आउट मींस बाहर छोड़ना। अ गैस विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। इस धरती पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ऑक्सीजन क्या है, जीने के लिए ज़रूरी है, और वो ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है, लीफ और लीव्स करते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। कुछ प्लांट के लीव्स क्या करते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैबेज, स्पैनिच, लेटस आर सम लीफी वेजिटेबल्स वी ईट। स्पैनिच है, कैबेज है, यहाँ पे दिखाया है इमेज में, वो वेजिटेबल क्या करते हैं, हम खाने के लिए, उसकी सब्जी बनाने के लिए। ये लेटस है, उसकी सब्जी बनाकर हम खाते हैं, और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सम फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल टू। फ्लावर्स क्या है, मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड सम फ्लावर्स हैव डिफरेंट स्मेल। फ्लावर्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। फ्लावर्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम फ्लावर्स स्टोर फूड। सम फ्लावर्स स्टोर फूड लाइक ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर आर सम फ्लावर्स वी ईट। ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर की हम सब्जी बनाकर खाते हैं। मोस्ट फ्लावर्स बिकम अ फ्रूट्स दैट हैव सीड्स विद इन देम। मोस्ट ऑफ ली फ्लावर्स से क्या होते हैं, फ्रूट तैयार होते हैं, और उसके अंदर सीड होती है। अ फ्रूट हैव वन फ्यू और मैनी सीड। फ्रूट के अंदर सिंगल, मैनी और फ्यू सीड्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो हैज वन सीड, एप्पल हैज अ फ्यू सीड्स, वाइल वाटरमेलन हैज मैनी सीड्स। सीड्स ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स। सीड से क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं, इसलिए सीड का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीड टू न्यू प्लांट्स। हाउ टू क्रिएट न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, वी सी हियर।
द सीड ऑफ अ प्लांट व्हेन ब्रीड इन द सॉइल. ब्रीड मीन्स मिट्टी के अंदर सीड डालना. एंड व्हेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एयर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. जब हम सीड मिट्टी के अंदर डालेंगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एयर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स देंगे, तो उससे क्या होगा, अ न्यू प्लांट ग्रो होगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन प्रोसेस. जर्मिनेशन मीन्स उगवन. पेरनी करने के बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स ऊपर आते हैं ना, उसको बोलते हैं उगवन करने, मीन्स जर्मिनेशन प्रोसेस. हमने अभी यहाँ पे जो दो तीन पॉइंट्स देखे, उसमें आने वाले हार्ड वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं. वो हार्ड वर्ड्स आपको 5-5 टाइम लिख के लर्न करना है. लीफ मीन्स पान, स्पैनिश मीन्स पालक, कैबेज पत्ता गोभी, फ्लावर फूल, फ्रूट फल, सीड बी. कॉलीफ्लावर फूलकोबी, ब्रीड मीन्स पुरने किंवा जमिनीत लावणे, जर्मिनेशन उगवण, ब्रोकोली ही एक गच्च हिरवी किंवा जांभळ्या कलरची वनस्पती आहे जिची भाजी बनवून खातो. रिप्रोडक्शन मीन्स पुनरुत्पादित करणे किंवा स्वतःसारखा दुसरा जीव तयार करणे. वॉटरमेलन टरबूज, ये हार्ड वर्ड्स आपको लर्न करने हैं और 5 टाइम लिखने हैं. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.